इमरान हाशमी के साथ इंटीमेट सीन के दौरान बहक गई थी ये एक्ट्रेस। फिल्म डायरेक्टर के कट बोलने के बावजूद इमरान हाशमी को करती रही थी किस। तो आखिर कौन है ये एक्ट्रेस जो सीरियल किसर कहे जाने वाले इमरान को किस करने के लिए बहक गई थी। देखिए, एक तरफ जहां कई स्टार्स फिल्मों में इंटीमेट सीन को शूट करने से झिझकते हैं, कतराते हैं और कुछ तो नो किसिंग पॉलिसी भी रखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे स्टार्स भी हैं जो बड़े ही आराम से इंटीमेट सीन्स की शूटिंग कर लेते हैं, जबकि कुछ ऐसे सेलेब्स भी हैं जो इंटीमेट सीन की शूटिंग के दौरान बहक भी जाते हैं और डायरेक्टर के कट कहने के बावजूद काफी देर तक किस करते रह जाते हैं। जी हाँ, फिल्मी दुनिया में ऐसे कई सेलेब्स हैं जो इंटीमेट सीन के दौरान बहक जाने की वजह से खूब लाइमलाइट भी बटोर चुके हैं। उन्हीं में से एक हैं बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस नरगिस फाकरी, जिनके कदम बहक गए थे। दरअसल बात तब की है जब फिल्म अजहर की शूटिंग हो रही थी। इसमें नरगिस और इमरान हाशमी का एक इंटीमेट सीन था, जहां इमरान हाशमी के साथ किसिंग सीन की शूटिंग करते वक्त नरगिस इस तरह से आगे बढ़ गई थी कि डायरेक्टर के कट कहने के बाद भी वो बहुत देर तक इमरान को किस करती रही। अब तक आपने कई किस्से सुने होंगे जिसमें आपने यही सुना होगा कि फिल्मों में रोमांटिक सीन करते हुए हीरो बहक गए और कट बोलने के बाद भी वो काफी देर तक नहीं रुके। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि रोमांटिक सीन करते समय कोई हीरोइन बहक गई हो? आमतौर पर ऐसा तो सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन नरगिस फाकरी अपना कंट्रोल उस वक्त खो बैठी थी जब वो इमरान हाशमी के साथ किसिंग सीन कर रही थी। ये इंटरेस्टिंग किस्सा उस वक्त का है जब एक्ट्रेस नरगिस फाकरी और इमरान हाशमी एक साथ फिल्म अजहर की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म में दोनों के बीच एक इंटीमेट सीन शूट होना था, जिसमें पहले नरगिस को इमरान हाशमी गाल पर किस करते हैं, फिर दोनों लिप लॉक करते हैं। हालांकि इस सीन की शूटिंग से पहले इमरान हाशमी ने मजाक करते हुए डायरेक्टर से कहा था कि अगर सीन सही से शूट नहीं हुआ तो हम दोनों किस करते रहेंगे और आप टेक ले लेना। उनकी ये बात सुनकर डायरेक्टर समेत सेट पर मौजूद सारे लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे थे। ऐसे में बताया जाता है कि जब इंटीमेट सीन की शूटिंग हो रही थी तो नरगिस फाकरी के कदम बहक गए थे। वो किस करने में इतने ज्यादा मशगूल हो गई थी कि फिल्म के डायरेक्टर के 3 बार कट बोलने के बाद भी वो नहीं रुकी। बार बार कट बोलने के बाद भी वो लगातार इमरान को किस करती जा रही थी। हालांकि डायरेक्टर के कट बोलने के बाद इमरान हाशमी पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नरगिस रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपने इस सीन में नरगिस इतनी ज्यादा डूब गई कि वो होश ही खो बैठी थी। वो बार बार लगातार उनको किस करती रही थी और जब ये बात सामने आई तब नरगिस को लेकर खूब बातें हुई थी और ये किसिंग सीन भी खूब टॉक ऑफ द टाउन बना रहा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।